हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग मेरी तरह अच्छे होंगे। तो आज आपका भाई आ चुका है एक्सप्रेस वे अपनी RR 310 को लेकर। देख सकते हैं गाइस, लव यू ब्यूटी कह सकते हैं। और आज आपका भाई अपनी बाइक की टॉप स्पीड टच करने वाला है और देखने वाला है कि आपके भाई की बाइक की टॉप स्पीड कितनी ये टच कर पाती है। आप लोग गेस करके कमेंट करके बताइए ये कितनी टॉप स्पीड जाएगी। कंपनी तो 160 क्लेम करती है और ये कितनी जाएगी ये आप लोग बताइएगा, फटाक से कमेंट में बताइए। और चलिए तब तक आपका भाई टॉप स्पीड टेस्ट करता है। चलिए, अर्बन मोड और रेस मोड, स्पोर्ट्स मोड दोनों में टच, दोनों ही में देखेंगे कि कितनी टॉप स्पीड जाती है। पहले अर्बन में टेस्ट करेंगे और फिर स्पोर्ट्स में। और अर्बन और रेन का सेम BHP है, 27 BHP, और स्पोर्ट और ट्रैक का भी सेम है, 34 BHP। तो वैसे इसकी सेकंड सर्विस भी हो चुकी है और इसके मोड्स भी खुल गए हैं। आपके भाई बहुत बेताब था इसको भगाने के लिए, क्योंकि एक साल आपके भाई ने 27 BHP पे इसको चलाया है, राइड किया है, और अब इसकी एक्चुअल पावर मुझे को पता चलेगी कितनी जाती है। तो चलिए देखिए आप लोग। और ये अर्बन में बाइक लग चुकी है, वाइदर बंद करते हैं, बाइक को स्टार्ट किया, पहले गियर में डाला। चलिए एक एक गियर में देखते कितनी जाती है। पहले गियर में 48, दूसरे गियर में 70, तीसरे गियर में 88, चौथे गियर में 105, पांचवे गियर में 125, छठा गियर डाल दिया है। अब देखते हैं अर्बन मोड में कितनी जाती है। ये 133 जाती है। गाइस ये अर्बन मोड में 133 जा रही है, 6 गियर में, उसके ऊपर नहीं जा रही है। अब इसको ट्रैक मोड में डाल के देखते हैं। ट्रैक मोड में काफ़ी ज़्यादा स्पीड, जो कंपनी क्लेम करती है वो 160 क्लेम करती है कि 160 जाती है। आज आपके भाई की देखते हैं कितनी जाती है, 160 जाएगी या फिर उसके ऊपर भी जाएगी। बेइज्जती ना करा ली है जैसे NS ने करा ली थी पिछली बार। ट्रैक मोड में नहीं डालेंगे, स्पोर्ट्स मोड में देखते हैं हम लोग। बाइक आप लोग देख सकते हैं स्पोर्ट्स मोड में लग चुकी है, पहला गियर डाल दिया। अब पहले गियर में ये देखते हैं स्पोर्ट मोड में कितनी टच कर पाती है। फिफ्टी सिक्स एट्टी वन तीसरे गियर में। आप लोग देखते रहिए, literally ये तो बिल्कुल एरोप्लेन हो रहा है। ओ क्या बताएं गाइस, पहले गियर में जब इसको मैंने इतना तेज खींचा ना, तो ये पहले गियर में अगर हम एकदम अगर मैं इसका क्लच छोड़ देता तो विली पॉपअप हो जाती है। ये विली पॉपअप होने की कोशिश कर रही थी, पर आपका भाई इसको, आपके भाई ने इसको विली पॉपअप होने नहीं दिया।
तो लिटरली गाइस मान गए, काफी पावरफुल मशीन है। अगर आप इसको ट्रैक मोड या स्पोर्ट मोड में चलाते तो लिटरली गाइस अगर आप मजा आ जाएगा आपको चला के, फील पता ही नहीं चलता इतनी जल्दी है। फिफ्थ गियर में अराउंड ये 152 पहुंच के पता ही नहीं चला, सिक्स्थ गियर डाला 160-165 आराम से जा रही है, 168 इसकी टॉप स्पीड गई थी, पर मैं लिटरली बहुत खुश हुआ। यहाँ पे बार बार वार्निंग भी आने लगी थी पर मैंने थोड़ी सी बाइक स्लो कर दी, कोई बात नहीं गाइस, पर मज़ा आया गाइस इसको भगा के। टॉप स्पीड पता चल गई मुझे भी आपको भी। तो गाइस आई होप आप लोग को पता चली गया होगा कि आपके भाई की बाइक कितनी जा रही है। ये 168 किलोमीटर पर आवर की स्पीड टच कर पा रही थी 168 स्पोर्ट्स मोड में, और हालांकि विंड ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा तेज था। अगर इसको विदाउट विंड ब्लास्ट में अगर इसको मैं चेक करता तो ये अराउंड 170 या 177 या ऐसे कुछ चली जाती, पर नेक्स्ट टाइम देख लेंगे कभी। तो अभी के लिए 168 इसकी टॉप स्पीड है, ये नोट कर लिया गया है। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें बिना मत जाना। अगर आपने मेरे चैनल पर नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन नजर आ रहा है उस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम पे अगर नया है तो वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर लिए, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट आपको वहीं देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।